गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव सीन ऑल द रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट आर ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, टुडे वी हैव टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी विल सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन एंड यू विल प्रैक्टिस फॉर दैट in the whole class, and this is your homework also. You should remember up to atomic number 30 the electronic configuration of all elements. Okay, let us start. Till now we have seen that how can we fill the orbitals, what should be the फिलिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम एस को फिल करते हैं, फिर पी को, फिर डी को, फिर एफ को। ठीक है, ये तो सभी को पता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, ये बातें हमें पता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर पता है। दिस इज द ऑर्डर। फर्स्टली वी विल फिल 1s, देन 2s, देन 2p, आफ्टर दैट 3s, 3p, देन 4s, 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7s, and after that 5f, 6d, 7p। ये ऑर्डर आपको ज़रूर याद करना है बच्चों। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं याद होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। वैसे तो अभी हम लोग को एटॉमिक नंबर 30 तक के लिए केवल 3d, 4s तक हमारा काम चल जाएगा। हमें वहाँ तक भी याद है तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आपको अगर सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो आपको ये याद कर लेना पड़ेगा पूरा। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार आप लिख के देखोगे ना आपको हमेशा याद रहेगा। लिखने की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वन विल बी द हैविंग क्लॉकवाइज रोटेशन एंड द अदर विल बी हैविंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसीलिए हम लोग दोनों के रोटेशन को एंटी दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन विल क्लॉकवाइज, दिस वन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज रिलेटिव टर्म, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाई कन्वेंशन ऐसा ही करते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, इसको कई बार हाफ भी दिखाया जाता है बिकॉज इट इज़ हाफ रोटेशन। तो कई बार इस एरो को हम हाफ भी दिखाते हैं। ये दिस वन, ये भी करेक्ट नोटेशन है, ये भी करेक्ट नोटेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ज़्यादा करेक्ट नोटेशन कौन सा है, तो ज़्यादा करेक्ट नोटेशन मैं इसी को मानूंगी। ठीक है, दिस वन। लेकिन आपके बुक में ऐसे दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, वो था इक्वली करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर आपको ज़रूर याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट फिल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, 1s में, है ना, और 1s में डालेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम एक ही एरो बनाएंगे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 1s। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन के बाद सेकेंड एलिमेंट जो हमारा होता है वो हीलियम होता है। इट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब अगेन 1s ही रहेगा क्योंकि 1s में दो और इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वन इज क्लॉक वाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉक वाइज, एंड दिस इज 1s2, दिस इज 1s1। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग लिथियम की तरफ। लिथियम इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 तो कम्प्लीट हो गया, है ना, अब अगले शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो अगला कौन सा है, अगले सब शेल में जाएगा, तो अगला सब शेल कौन सा है, 1s2, आफ्टर दैट 2s। लेकिन 2s के लिए इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, दो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी 1s में फिल हो गए, तो लिथियम के लिए, लिथियम के 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 1s2, 2s1, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में, दिस इज 1s, फर्स्ट वन वाला 1s है, सेकेंड वन वाला 2s है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेरिलियम की। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, लेट अस टॉक अबाउट बेरिलियम। बेरिलियम इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s में भी 2 रह पाएंगे और 2s में भी 2 रह पाएंगे। दिस इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। 5 का मतलब 1s2 तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, 2s2 भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है,
वन एस टू एस के बाद अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल कौन आता है, टू पी आता है, ठीक है। लेकिन टू पी के लिए इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, वन, है ना, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फिल हो गए, फाइव ही है इसके पास, तो टू पी में क्या हो जाएगा, वन। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक 1s में आप दो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो फर्स्ट वाले में आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे लाइक दिस। आई बात समझ में, ये 1s 2 है, सॉरी ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, सभी के लिए, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन है वो आप नंबर लिख देंगे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं कार्बन की। कार्बन इज हैविंग 6 एटॉमिक नंबर, 6 का मतलब 1s2 तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 1s में भी, 2s में भी, 2s2 भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, दो, ठीक है। अगला हमारा जो ऑर्बिटल सबशेल है वो कौन सा है, पी सबशेल है, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड देन अगेन 2p2, ठीक है। लेकिन 2p2 की जो फिलिंग होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, होम्स रूल कहता है कि पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं कम्प्लीटली फिल हो जाते तब तक हम उसकी पेयरिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो मतलब पी में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तीन ऑर्बिटल है पी में, तो पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि इसी पहले वाले ऑर्बिटल में हमने दो रख दिया, कि दो एक ऑर्बिटल में तो दो मैक्सिमम रह सकते हैं तो यहीं रख दे, नहीं, ऐसा नहीं करते। जब तक सारे सब एक सबसेल के सारे ऑर्बिटल जब तक कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाते सिंगली, तब तक उसको हम लोग डुप्लेट नहीं बनाते, तब तक उसकी हम लोग पेयरिंग नहीं करते, ठीक है। तो अभी ये दिस विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। अब आप कार्बन को देखिए, यहाँ क्या ऐसा ही रिप्रेजेंट किया गया है ना, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया गया है। अब आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन कर सकते हैं, ठीक है। नियॉन के लिए मैं डिस्कस करती हूँ, नियॉन, लेट मी रब दिस फर्स्ट, ठीक है। आप सारे का करेंगे, मैं आगे नियॉन का बता रही हूँ। नियॉन इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड, 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यानी हमारा 2p भी कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधे हमने यहीं से फिल करना शुरू कर दिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं करते, हुंड्स रूल फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हुंड्स रूल जब फॉलो करेंगे तो पहले इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो तीन हो गए। अब इसकी हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब आप हुंड रूल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो आपको पता होगा कि कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि नियॉन में जो पी ऑर्बिटल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, तो आपको पता है कि वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सेकेंड वन, दिस सेकेंड वन इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि पहले हमने तीनों में एक एक फिल किया है और उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से आपको ये पता चल जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, मैंने 10 तक बता दिया। अभी मैं एक एक्सेप्शन की बात करूंगी, आगे चलिए हम लोग लिस्ट देखते हैं पूरी। सबसे जो बड़ा एक्सेप्शन है वो है क्रोमियम और कॉपर में, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ लाइन से देखते चले जाते हैं। ये देखिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। लिखते समय 3d को मैंने आपको बताया है, लिखते समय 3d को पहले लिखते हैं, 4s को बाद में लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल करते फिर 3d में फिल करते, ठीक है। कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन मिलता है, वो एक्सेप्शन की बात मैं करूँगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3p तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम तब आती है जब 3d इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए हीलियम हमने नियॉन तक कर लिया, 10 तक कर लिया, ठीक है। अब सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में 11 है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, पी ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल हो गया है, 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक तो नियॉन ने कम्प्लीटली फिल कर दिया। अब सोडियम में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना, तो वो होगा किस में, 3s1 में अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, है ना, तो 3s में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आप देखो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर मैं सोडियम अच्छा मैं आगे ये बात करूँगी, चलिए फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमने जो सोडियम में किया उससे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 3s में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है ना, तो अभी हम क्या लिख देंगे इसके लिए, मैग्नीशियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब आप देखिए यहाँ 3s2 होगा, आया समझ में। चलिए अब आगे आते हैं एल्युमिनियम की तरफ, s तो कम्प्लीटली फिल हो गया, अब 3s2 हो गया, तो
ठीक है, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, 3p की, है ना। हाँ तो एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 है तो यहाँ तक तो यही रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा वो p में जाएगा एंड दैट विल बी 3p, ठीक है, तो हो जाएगा 3p1, है ना। बोलिए, गुड। चलिए सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन इज हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन, तो p में तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो p में ही अगला इलेक्ट्रॉन हम 3p2 कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। लेकिन 3p2 को फिल करते समय अगेन वही बात याद रखेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहीं पे पेयरिंग नहीं करा देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉस्फोरस 15, 3p3 हो जाएगा, है ना। सल्फर 16, 3p4 हो जाएगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। चलिए क्लोरीन 17, सब कुछ वही रहेगा, 3p5 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे, है ना। ऑर्गन 3p6, है ना। ये जो सारे कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा रहे हैं, ये इनको हम लोग इनर्ट गैसेस कहते हैं, और ये है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अभी हमने देखा यहाँ पे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा था, 1s2 कम्प्लीटली फिल था, ठीक है। फिर हमने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा, 3p6 कम्प्लीटली फिल था, सॉरी 2p6 कम्प्लीटली फिल था, और अभी हम देख रहे हैं ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑर्गन भी 3p6 कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर हम चाहें तो इन्हीं के टर्म्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप देखिए नियॉन से अगर हम सोडियम में आते हैं तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6। नियॉन और सोडियम में डिफरेंस क्या है, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 3s1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नियॉन, मैंने हमने नियॉन लिख दिया, मतलब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लस इसमें ऐड कर देना है 3s1, ठीक है। तो अगर हम नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर लें तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत आसान होगा। इस चीज़ की प्रैक्टिस मैं आपको रेगुलर कराती रहूँगी आगे की क्लासेस में, 11th में भी कराऊंगी, 12th में भी कराऊंगी, तो ये तरीका हमारे लिए बेस्ट होता है, इससे हमको बहुत लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद भी नहीं करना पड़ता और हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख पाते हैं। क्लास 12th के बच्चे अब यही मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देखोगे उनसे आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग पहले रेगुलर पैटर्न में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका आसान है, अगर जिसको समझ में आ गया हो तो ये ट्राई भी कर सकता है, ठीक है। आप में से जो बच्चा ट्राई करे वो मुझे ज़रूर मैसेज करके भेजे या उसकी पिक्चर करके भेजे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आर्गन तक कर लिए थे, पोटेशियम और आर्गन में क्या डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम आर्गन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम उतार लें और सिर्फ उसमें आगे ऐड कर दें 4s1, आप देखो पोटेशियम में सिर्फ 4s1 को पहले फिल किया जा रहा है 3d से, आप देख रहे हो ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुंस रूल 4s इज फिल्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट 3d इज फिल्ड, लेकिन लिखते समय 3d को पहले लिखते हैं। अब यहाँ 3d कुछ है ही नहीं तो सिंपली हम 4s1 लिखेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। आप चाहो तो 3d0 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि 3d0 लिख सकते हो लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 ही हमें एक्स्ट्रा हो रहा है और आर्गन से, तो एक इलेक्ट्रॉन हम 4s1 में फिल करेंगे, ठीक है। अगेन कैल्शियम 20 है तो 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है स्कैंडियम, 4s2 तो कम्प्लीटली फिल हो चुका है अब तक, स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, है ना। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये 3d सीरीज के एलिमेंट हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होना चाहिए, ये हमारे लिए 12th में बहुत काम आएगा, मैं 12th में भी बच्चों को याद करा रही हूँ। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद हो तो आपको डी ब्लॉक पढ़ने में और प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत हेल्प मिलती है, तो इनको क्यों ना हम लोग आज ही याद कर लिया जाए, ठीक है। तो आप इसको आज ही याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रब करती हूँ, थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, साफ साफ कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से। चलिए स्कैंडियम की बात करते हैं, ठीक है। कैल्शियम तक हो गया था 20 और 4s2 हमारा कम्प्लीटली फिल्ड हो गया था। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 21, ठीक है, 21 है, तो मैं इसको पूरा फिल करके दिखाती हूँ, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करिए, 2, 2, 4, 6, 10 हो गया ये, 10, 8, 18 और करना कितना है 21। फिर हमने 4s2 भी कम्प्लीटली फिल कर लिया, है ना, 4s2 भी फिल हो जाएगा पहले, तो अब कितने बच गए, ये हो गया 10
आठ अट्ठारह उन्नीस बीस, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3D में। लेकिन 3D 4s के बाद में फेल होता है, लेकिन लिखते उसको पहले है 3D 1 4s 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बच्चों, यहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो है किस नोबल गैस को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, 3p6 तक, इट इज़ कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गन। आगे की पूरी सीरीज आप देखोगे यहाँ तक, जब तक नया नोबल गैस नहीं आता तब तक ये उसी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कोरिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसने नोबल गैस को ही कोरिस्पॉन्ड किया ऑर्गन को, एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, 3d1 4s2। ठीक है, अब आप देखोगे जब स्कैंडियम से आगे हम टाइटेनियम में बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वही नोबल गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, है ना। बस एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, यहाँ पे 3d1 4s2 है, 4s में तो और डाल नहीं सकते, जो भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो 3d में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 3d2 4s2 हो जाएगा। अब आप देखिए टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक बिल्कुल सेम है ना, क्या ऐड हो गया, 3d2 4s2। ठीक है, वेनेडियम बिल्कुल सेम यहाँ तक ऑर्गन का, यहाँ ऐड हो गया 3d3 4s2, है ना। एस में तो ऐड नहीं कर सकते, हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो डी में ऐड करेंगे, वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऑर्बिटल में, फिर पेयरिंग कराते हैं, है ना। तो 10 तक ऐसा कर सकते हैं हम ना, 3d3 4s2। फिर आते हैं, अब आ गया हमारा एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम में अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये 3d3 4s2 था तो यहाँ पे 3d4 4s2 होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या दिख रहा है, 3d5 4s1 दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड रखना चाहता है। ठीक है, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हम 3d5 देखें, ये कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, अगर हम 3d5 देखें, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड कब होगा, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4 5, है ना, ये हाफ फिल्ड है, तो या तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, या तो हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो हो जाएगा 3d10, तो ये ज़्यादा कम्प्लीटली स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये स्टेबल क्यों होता है, ये आपके कोर्स में दिया हुआ है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, एक तो इसका कारण है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्री जहाँ भी होती है स्टेबिलिटी आती है। अगर आप हाफ फिल्ड को देखिए तो पूरी तरीके से सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा कारण है इसका एक्सचेंज एनर्जी, द स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज वेयर एवर टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल, दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड द एनर्जी रिलीज ड्यू टू दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इन इज मैक्सिमम व्हेन द सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, सो दिस इज गिविंग एक्सचेंज, दिस एक्सचेंज एनर्जी इज गिविंग स्टेबिलिटी। ये समझ में आया आपको, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक तो सिमेट्री तो समझ में आ गई होगी, सभी एकदम इक्वली पांचों इलेक्ट्रॉन एक जैसे एक लाइन में बैठे हुए हैं, सिमेट्रिक है। जैसे आप अपने टेबल पे सिमेट्रिक बैठे होते हो तो डिसिप्लिन ज़्यादा होता है ना, क्लास ज़्यादा स्टेबल होती है ना, तो वैसे ही देखो सारे बच्चे सिमेट्रिकली बैठे हुए हैं तो स्टेबिलिटी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं कम्प्लीटली, तो क्या है कि सारे एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, एक ही सबशेल के ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, हमने बात किया है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इट मींस हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, दे आर हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, तो अब इनके बीच में एक्सचेंज भी अच्छे से पॉसिबल होगा एनर्जी का, पोजिशन का और एनर्जी का, ये आपस में अपनी पोजिशन और एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं कि 5 ऑर्बिटल हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक्सचेंज की नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, कितने सारे एक्सचेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो अगर यही इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते तो क्या इतने एक्सचेंजेस पॉसिबल होते नहीं, और सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी नहीं है क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, बाकी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, है ना, तो इनके बीच में एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस मैक्सिमम हो रहे हैं, इस वजह से
स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स दो वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पहला कारण है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कारण है नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं जब कभी पूछा जाए तो। स्टेबिलिटी की भी बात हो गई, तो यही इसी को गेन करने के लिए क्रोमियम क्या करता है। क्रोमियम यहाँ आप देखिए, अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, सॉरी, लेट मी क्लियर दिस। हाँ, अब क्लीन हो गया। चलिए क्रोमियम की बात करते हैं और कॉपर की। क्रोमियम यहाँ है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने देखा ये यहाँ तक तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ हमारे हिसाब से होना चाहिए था 3D4 4S2, लेकिन अब इसने क्या किया कि 3D4 4S2 के हिसाब से ये कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा 3D5 4S1। अगर यही छः ही इलेक्ट्रॉन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो हमने इसको एस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एस हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों स्टेबल होते हैं, पहले ये फुल फील्ड था लेकिन अभी ये हाफ फील्ड हो गया, तो ये पहले भी स्टेबल था और ये अभी भी स्टेबल है ना। 3D4 बिल्कुल अनस्टेबल था, लेकिन जब हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के 3D4 में डाल दिया तो ये 3D5 हो गया। अब ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना। क्यों बढ़ गई? एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गई और सिमेट्री बढ़ गई। ठीक है, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, दैट्स वाई क्रोमियम इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4S1। ठीक है, इसको याद करिएगा। सेम डिफरेंस आपको यही सेम डिफरेंस आपको कॉपर पे मिलेगा। तो आगे की चीज़ें मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, यही सेम डिफरेंस आपको कॉपर में भी मिलेगा, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ खुद समझने के लिए। देखिए, आप यहाँ पे स्टार भी बना हुआ है कॉपर और क्रोमियम में, बिकॉज दीज टू आर हैव शोइंग एक्सेप्शन। अदरवाइज जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जिंक इज हैविंग एटॉमिक नंबर 30, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हर हाल में याद होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ करके देखिए, क्या आपको समझ में आता है। यही जैसा डिफरेंस मैंने आपको क्रोमियम में दिखाया है, सेम डिफरेंस आपको कॉपर में मिलेगा। कॉपर शुड हैव 3D9 4S2, लेकिन नहीं होता ऐसा। इसलिए क्या करता है, 3D को कंप्लीट कर लेता है 3D10 और 4S में भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है। तो आपको देखो यहाँ कॉपर में भी 3D10 4S1 मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको एक बार अपने से करके देखिए और अरेंजमेंट भी बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखिए। आई होप कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा चैलेंज भी है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप एक एक रूल को फॉलो करेंगे, और ये आज के आज आपको याद भी हो जाएगा और ये हमारी 12th तक की प्रिपरेशन हो जाएगी। 12th के दो चैप्टर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हैं, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, स्पेशली फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, तो इसको आज के आज हम लोग याद कर लेंगे। जिन बच्चों को याद हो जाए, समझ में आ जाए, वो मुझे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अभी और लंबी हो रही है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज हमने पहले की है। ठीक है, अब मैं आपको 3rd चैप्टर के वीडियोज़ भेजूंगी। ठीक है, और हमें 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।